पीएम मोदी आज करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, बजट को लेकर चर्चा। बैठक में बजट की बारीकियों पर मोदी करेंगे बात, बजट की खूबियां जन जन तक पहुंचाने पर मंथन। इस साल 9 राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव, बजट में इन राज्यों का रखा जाएगा ध्यान। आज हरियाणा के गोहना में बड़ी रैली करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षा की पुख्ता तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी आज 97वीं बार करेंगे मन की बात, साल 2023 का पहला एपिसोड। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का बयान, 22 साल से कम उम्र में मां बनना खतरनाक, बाल विवाह को लेकर बढ़ेगी सख्ती। शादी की उम्र को लेकर असम में बनने वाला है सख्त कानून, सीएम ने कहा हजारों लोग जाएंगे जेल। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने बुलाई रेसलर्स की बैठक, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। दिल्ली में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, दिन में हल्की बारिश की संभावना। पछुआ हवाएं दिल्ली वासियों को कर सकती हैं परेशान, बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज लखनऊ में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के लिए आज 2.5 का मुकाबला, आज हारे तो सीरीज गंवा जाएंगे। भारतीय टीम में आज हो सकते हैं कुछ बदलाव, राहुल त्रिपाठी और अर्शदीप को मिल सकता है आराम। दूसरे मैच में पृथ्वी शॉ पर सभी की निगाह है, प्लेइंग 11 में जितेश शर्मा को भी मिल सकती है जगह। अगर जितेश शर्मा और शॉ को मिला मौका तो ईशान किशन होंगे बाहर, ओपनिंग कर सकते हैं पृथ्वी शॉ। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत के युवाओं की वजह से दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पीएम मोदी ने 75 रुपए का जारी किया स्मारक सिक्का, इस खास मौके पर बोले देश को बांटने की हो रही है कोशिश लेकिन नहीं मिलेगी कामयाबी। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की, पीएम को पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा पीएम के तौर पर नहीं एक सामान्य यात्री के तौर पर भगवान देव नारायण के दर पर आशीर्वाद मांगने आया। पटना में नीतीश की समाधान यात्रा में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, काली पट्टी और काला झंडा दिखाकर विरोध प्रकट किया। आज दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली के मशहूर मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने पर सुलगी सियासत, बीजेपी ने स्वागत किया तो कांग्रेस बोली ना समझो के हाथ में देश। दिल्ली को चमकाने के लिए सीएम केजरीवाल ने रखा प्लान, कहा सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाएगी, सारे फुटपाथ होंगे रिपेयर। घर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं, इसमें जितने भी फुटपाथ हैं ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। दिल्ली में ई स्कूटर लेकर आ रहे हैं केजरीवाल सरकार, 13 महीने में 250 लोकेशंस पर उतारे जाएंगे 1500 स्कूटर्स। भीषण हादसे का शिकार सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर प्लेन, विंग कमांडर शहीद, 2 पायलट जख्मी, मुरैना भरतपुर में बिखरा मलबा। पुणे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मराठी में ट्रांसलेट किताब भरक मार्ग हुई लॉन्च, समारोह में फडणवीस रहे मौजूद। राहुल गांधी पर विदेश मंत्री जयशंकर का निशाना, कहा चीन ने 1962 में जमीन पर कब्जा किया लेकिन वो ऐसे दिखाएंगे जैसे कल परसों हुआ। जैसे ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया, वो अभी कभी आपको बताते नहीं, वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। एस जयशंकर ने कहा भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरित है हमारी आज की कूटनीति, श्री कृष्ण और हनुमान को बताया सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ। सनातन पर छिड़ा धर्मयुद्ध, राजस्थान के जालौर में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय धर्म बताया। सनातन पर योगी के राष्ट्रीय धर्म वाले बयान पर छिड़ा धर्मयुद्ध, कांग्रेस नेता उदित राज बोले मतलब सिख जैन बौद्ध ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। योगी के बयान पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा क्या पूरे देश में आग लगाने की कोशिश में है योगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने योगी के बयान का किया समर्थन, कहा इसमें कुछ गलत नहीं। लखनऊ में पीतांबर यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचा अखिलेश यादव का, कुछ लोगों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे, जमकर नारेबाजी हुई। अखिलेश यादव ने काले झंडे दिखाने वालों को बताया बीजेपी के गुंडे, बोले योगी राज में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर प्रहार, कहा अब समझ में आ रहा है क्यों मुझसे घर छीना गया, उसे गंगा जल से क्यों धुला गया, मेरी सुरक्षा क्यों घटाई गई।
रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर छिड़े घमासान के बीच एक्शन में आया अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया, लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में की मुलाकात। गुर्जर वोट बैंक की सियासत में कांग्रेस भी पीछे नहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने देवनारायण जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया। त्रिपुरा इलेक्शन के लिए बीजेपी ने कसी कमर, 6 उम्मीदवारों की सूची जारी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनसीसी कैडेट से की मुलाकात, बच्चों से की बातचीत। सांसद रामशंकर कचेरिया ने इटावा रेलवे जंक्शन पर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों में दिखा उत्साह। नोएडा में 1,19,000 गाड़ियों का नोटिस किया गया जारी, इसके अलावा लोगों को किया जा रहा जागरूक। वाराणसी में संतों ने की श्रृंगार गौरी की पूजा, कहा गुलामी का मिटे कलंक। मुजफ्फरनगर में किसानों का कई मांगों को लेकर प्रदर्शन, धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा गो तस्करों पर भी लगेगा गैंगस्टर एक्ट। लद्दाख के लिए में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, 40 डिग्री तापमान पर कर रहे हैं भूख हड़ताल, क्लाइमेट फास्ट का दिया नाम। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों का धरना, छात्र चुनाव कराने को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन। बेगूसराय में सड़क हादसे में शख्स की मौत पर सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन, मृतक को 10 लाख मुआवजा और पत्नी को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लगाए आपत्तिजनक नारे, मामले में 6 गिरफ्तार, 150 से ज्यादा फरार। गुजरात के नर्मदा पर सैकड़ों हाथों ने मिलकर नर्मदा मैया को 1100 फीट लंबी साड़ी की अर्पण, 10 से ज्यादा नावों का किया गया इस्तेमाल। खरगोन में नर्मदा जयंती पर नर्मदा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, गरबा नृत्य करके महिलाओं ने दिखाया उत्साह। वाराणसी में संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन, वेद पाठी छात्रों ने चाणक्य की वेशभूषा में खूब मारे चौके छक्के। मथुरा में सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन, बरसाना धाम फाउंडेशन ने 51 कन्याओं की शादी कराई। समस्तीपुर में दक्ष प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कबड्डी खो खो दौड़ प्रतियोगिता सहित कई तरह के खेल में छात्रों ने लिया भाग। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी पति फरार। गोपालगंज में चाकू मारकर छात्र की हत्या, क्रिकेट खेल में विवाद के दौरान बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। आगरा में 34 युवकों के खिलाफ लड़कियों से ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज, 9 आरोपियों के नाम दर्ज। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 5 घंटे तक परिचालन ठप रहा, रेल महकमे में हड़कंप। औरैया में गाड़ी चेकिंग का अभियान जारी, इस दौरान जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी पर लगे हूटर को पुलिस ने उतरवाया। उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में शहर का किया निरीक्षण, इस दौरान कमिश्नर ने कांचन मार्केट के ऊपर बन रहे अवैध निर्माण को सील करके ध्वस्त कराने के निर्देश जारी किए। अभी नजूल की है तो पहली बात तो यह है कि इसका पता समय रहते चलना चेंज, तो इसमें अगर डिमोलिशन ना हो टाइम पे तो फिर इसमें अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है। कुमाऊं में 9 गैंगस्टर्स की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश, प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ उठाया कदम। बर्दवान में तस्करी के लिए लाए जा रहे 752 देसी कछुओं को पुलिस ने बरामद किया, आरोपी फरार। उधर दिल्ली में नरेला के रेलवे फाटक के पास महिला समेत 2 बच्चों का शव मिला, मृतकों को पीट पीट कर हत्या की आशंका जताई गई। इंदौर से ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक पलटा, 1 की मौत, 14 जख्मी। शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, पिता ने बेटी की हत्या करके शव तालाब में फेंका, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के एक अस्पताल में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। श्यामनगर में नाबालिग लड़की का अपहरण, सगी बहन के होने वाले पति और उसके सहयोगी ने दिया वारदात को अंजाम। संभल में नोटिस तामील कराने गए सिपाही को बेरहमी से पीटा गया, घायल सिपाही का इलाज जारी। एमपी के मऊ में एक जवान ने अपनी पत्नी को डंडों से पीटा, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। गुरदासपुर में 3 साल पहले स्कूल में हुए झगड़े की रंजिश के चलते चली गोलियां, 2 गोलियां लगने से युवक जख्मी। मुरादाबाद के एक स्कूल में शिक्षक ने काटे बच्चों के बाल, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। देहरादून में 4 फर्जी डॉक्टर्स गिरफ्तार, आरोपियों का मुजफ्फरपुर में भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड के रामनगर पुलिस ने 3 वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 9 किलो का हाथी का दांत बरामद। धौलपुर में चोरों ने सरकारी अस्पताल को निशाना बनाया, लाखों रुपयों के माल पर आंसाफ किया। उधर रेवाड़ी में कार शोरूम से 8 लाख रुपए से ज्यादा कैश चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना।
बिहार के समस्तीपुर में लूटकांड के आरोपी की पुलिस ने कराई परेड, अपराधियों को लोगों के बीच घुमाया। उत्तराखंड के खटीमा में बाघ ने युवक को फिर बनाया निवाला, वन कर्मियों को करनी पड़ी 10 राउंड फायरिंग, वन विभाग ने लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की। उधर नोएडा में दो कार आग में जलकर खाक हो गई, वर्कशॉप में काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। प्रयागराज में माघ मेले में भंडारे के दौरान फटा सिलेंडर, 7 जूल से दो ख्याल कर गए। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट होने से बाइक में लगी आग, चाबी लगाते ही आग का गोला बनी बाइक। कानपुर में गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगी आग, कई लोग बिल्डिंग में फंसे, फायर विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जबकि बैतूल में जंगली जानवर के हमले से 18 बकरियों की मौत, घटना से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग कर रहा है सर्च एक्ट।